जेकर कोई सस अपनी नूं नूं सोहना ना होण दा मेहना मारदी है जां फिर किसे काम नूं लै के तंग परेशान करदी है तां इह खबर स्पैशल उहनां सस्सां लई लै के आए आ जिस नूं देख के सस्सां ताने मारना भुल जाणगियां। लड़ना झगड़ना तां दूर दी गल है, हमेशा नूहां दीआं सेवा ही करनगियां। असीं अजिहा क्यों कह रहे हां जरा उह वी सुणो। दरअसल अजनाला दे पिंड सैंसरा कलां च नूं सस दा कलेश इस कदर वधिया कि गल कतल तक आ गई। हुण तुहानूं खबर दी पूरी जानकारी दिंदे आ। कहिंदे पिछले 15 सालां तो सस अपने नूं नूं हमेशा ताने मारदी सी कि तू सोहणी नहीं है ते कालो कालो कह के हर रोज चढ़ाउंदी सी। इह गल कही जांदी है जो गल नूं हर रोज सुन सुन अक चुकी सी। ते फिर उसने अपनी सस नाल ओह काम कीता जो किसे दुश्मन नाल कोई ना करे। नूं ने अपनी सस दे पहलां तां सिर च बाला मारिया, फिर उसनूं करंट लाउंदी रही। सारा उही सीन बणिया जो क्राइम पेट्रोल विच देखण नूं मिलदा है, जिस तों बाद सस दी मौत हो जांदी है। फिर पुलिस ने नूं नूं हिरासत च लै लिया अते 2 दिन दा रिमांड भी हासिल। 25 तारीक नूं सदा महिंदर सिंह ने बलस चंद्रा दे उन्होंने थाने फोन किया कि मैनू मेरे भांजे ने फोन आया सी कि मेरी भैन अमरजीत कौर सैंसरे पिंड वो करंट लगन करके मौत हो गई। उसकी जो मैं उत्थे जाके वेख्या तो करंट लगन वाले हालात नहीं सन। उहदे सिर ते बड़ी डूंगी सट सी, गर्दन ते चाकू दे निशान सी, होर भी तो मामला उन्होंने सारा शक्की लगा। जे घर दे ही बंदे ये कह के लुको रहे ने कि क्लीयर कट डूंगे जख्म के निशान ने तो मामला शक्की होते उन्हें कहा कि शायद मेरे भांजिया का ना ये रोल हो। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फिर पता लगा कि यदि जी नूँह सी नरिंदरजीत कौर उन्हें यह काम किया। रंजिश ये कि शकल सूरत की वो थोड़ी साधारण है। वह कहना है कि जो भी मैं ब्याह के आई हूँ मुंडा वाकई यदा थोड़ा एज कंपेयर टू नरिंदरजीत कौर थोड़ा को ठीक है। उन्होंने कहते कि मैनू हमेशा तो 15 साल हो गए वैसे ब्याह में, कि हमेशा तो ये गल का एहसास कराते रहे कि तू थोड़ी शक्लो इस तरह कि मुंडा साडा सनखा ये हो। चल टाइम तो लंघ गया 15 साल। एक सैकेंड रंजिश ये हो गई कि इन दे अमरजीत कौर मरण वाली दे 2 मुंडे ने, एक सुरजीत सिंह जिन्हें कतल किया वह घरवाला, तो एक छोटा गुरप्रीत। वो दोवों 2-2 किले पैली दी है। दोवें जने अपने हिस्से चो जिन्हें भी उन्हों का होया कि ठेका अपनी माँ को देंगे। इनू लेडी ये भी सी कि जी 2 किले जी दूसरी जगह हैगी माता के नाँ से, यह भी दूजे मुंडे छोटे ना दे। यो इन्हें मौका पा के तो घर कली सी, उसका हसबेंड SGPC सर्विस करता, बच्चे स्कूल गए थे तो उन्हें पहले बाला मारिया, नीचे डिगी गला घुटिया, अन्ने वाह ने 5-7 वार किए चाकू दे। मुड़ के बे बनाने वास्ते कि कल मैं कहांगी करंट लग गया, करंट भी लगाया, प्रेस की तार गई सी उद लगाया। तो इन गिरफ्तार कर लिया गया, तो कल 26 तारीक में, तो अज कोर्ट च पेश किया गया, तो 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया। तो जे जिस बाले नाल इन्हें किया पहला इनिशियल वार किया वो रिकवर कर लिया वो फरदिंग साहब से। बाकी जो जिस चाकू नाल उन्हें गर्दन ते छाती ते जिहड़े वार किए सी वो बरामद करन वाला। इहो गल देखण वाली है कि लड़की जिहड़ी लेडी है 38 साल उहदी उम्र है, शरीर तो वीक लगती है। माता जिहड़े जिन्हां दा कतल होया शरीर वो तगड़े सन, तो यह भी गल कोखी जा रही है क्योंकि उहदी गलबात करन दा तरीका जां दूसरा आम कातलां वर्गा नहीं हैगा जिहड़ा कन्फेशन भी करदा उहदे मन च कोई। घर च चाहे लख लड़ाइया होण पर उन्हां नूं बैठ के ही सुलझाउणा चाहीदा है, पर किसे नूं तैश चा के मार देना कोई बहादुरी नहीं हुंदी, जिस नाल हुण परिवार दे कई जीआं नूं नरक दी जिंदगी भोगण लई मजबूर होना पवेगा। हकीकत टीवी पंजाबी लई अमृतसर तों हरजीत गरेवाल दी रिपोर्ट। मेरी तंदुरुस्ती ते ताकत दा राज 5 रत्न, तुसीं वी खाओ बच्चों भी खवाओ। आओ रल मिल के आप दोबारा तंदुरुस्त पंजाब की सृजना करिए।